हेलो, वेलकम टू वाइस सिक्योरिटीज़। आज हम लोग वाइस सिक्योरिटीज़ की मार्केट रिपोर्ट की समरी को डिस्कस कर रहे हैं। केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 44,111.1 पॉइंट्स के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ है। 0.42% इंडेक्स ने पॉजिटिव चेंज बनाया है और 183.8 इंडेक्स ने गेन करे हैं। बुल्स मार्केट आज डोमिनेट रही ओवरऑल इंडेक्स में। इंडेक्स ने आज ओवरऑल सेशन अपना पॉजिटिव में ही रखा। गेन करे इंडेक्स ने 475 पॉइंट्स और अपने इंटरडे हाई 44,377.92 पॉइंट्स का बनाया। उसके साथ साथ KMI 30 ने भी 546 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करके 71,277.55 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुई। किसी ऑल शेयर की बात करें तो उसने 5.91 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करे और 30,141.81 पॉइंट्स के ऊपर इंडेक्स को क्लोज करा। वॉल्यूम फॉर द डे की बात करें, हमारे वॉल्यूम 115 मिलियन शेयर जो लार्ज ट्रेड हुए उसे डिक्लाइन करके 108 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। ट्रेड कॉर्पोरेशन, टेलीकार्ड और एंग्रो EPCL वॉल्यूम चार्ट्स के लीडर्स हैं। इंस्क्रिप्स में बेसिकली ट्रीट में 13.43 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई है, टेलीकार्ड में 11.96 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई है और EPCL में 5.56 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग देखी गई है। कॉन्ट्रीब्यूटर्स पर केस इंडेट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स में फर्टिलाइजर सेक्टर, कमर्शियल बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का सेक्टर है जिसने की आज पॉजिटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स में रही। कंपनी वाइज एंग्रो, हब पावर और DAWH दस हरकुलिस जो हैं वो टॉप पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में शुमार हुए। सेक्टर सेक्टर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो रिफाइनरी सेक्टर ने सबसे हाईएस्ट 1.33% कम्युनिटी मार्केट कैपिटलाइजेशन को गेन करा। इसमें अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, सिनर्जी और NRL मौजूद हैं। वॉल्यूम लीडर्स में आते हैं, वॉल्यूम लीडर्स में ट्रीट है, टेलीकार्ड और EPCL मौजूद हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेडिंग हुई है। एडवांस पर इनके अपर लॉक लगे हैं जिन्होंने पॉजिटिव परफॉर्मेंस आज इंडेक्स में दिखाई। उसमें EPQL है, साथ साथ पेल मौजूद है और PKGI और PAKMI भी मौजूद हैं। डिक्लाइनर्स पे जिनके लोअर लॉक लगे हैं जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स में दिखाई, उसमें PMI मौजूद है, साथ साथ DADX भी मौजूद हैं। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। एट लास्ट अब इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर का सेक्टर है जिसने 60 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करके 1.14% का पॉजिटिव चेंज बनाया है। उसके साथ साथ कमर्शियल बैंक ने 32 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करके 0.36% का पॉजिटिव चेंज बनाया है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ने 26 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करे और 1.36% का पॉजिटिव चेंज बनाया। केमिकल के सेक्टर ने 16 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करे और 1.23% का पॉजिटिव चेंज बनाया। नेगेटिव परफॉर्मेंस में हाईएस्ट हमारे पास फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का सेक्टर है जिसने 17 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करके 1.66% का नेगेटिव चेंज बनाया। ये ओवरऑल मार्केट रिपोर्ट की समरी आज आप लोग डिस्कस करी। आई होप ये आप लोग के इन्फॉर्मेटिव है। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू।